नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। महारी विधानसभा सीरीज में आज हम बात करेंगे उस विधानसभा सीट की जिस पर एक ऐसा कांड हुआ था जिसकी वजह से एक जमाने में यह सीट पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी। ये वही विधानसभा सीट है जिस पर लोगों ने एक बाप को तो जीत की हैट्रिक लगवा दी, जिसकी वजह से वो सीएम बने। लेकिन जब उन्हीं का बेटा, खुद का बेटा, अपनी सीएम की कुर्सी को बचाने के लिए यहां से चुनावी मैदान में उतरा तो वोटरों ने उसे सिरे से नकार दिया। आज भी आलम यह है कि जब उस विधानसभा सीट का जिक्र आता है तो उस कांड का जिक्र भी जरूर मन में आता है। उस कांड के बारे में हम आपसे बाद में विस्तार में चर्चा करेंगे। पुरानी पीढ़ी के लोग तो समझ ही गए होंगे, लेकिन नई पीढ़ी के सियासी चस्का लेने वाले लोगों को बताता चलूं कि उस विधानसभा सीट का नाम है महम। तो आज हम महम विधानसभा सीट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। महम विधानसभा रोहतक लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। इस जाट बहुल सीट पर सामान्य सीट होने के बाद भी अब तक जाट बिरादरी के ही विधायक चुने गए हैं। महम विधानसभा सीट 1962 के चुनाव में वजूद में आई थी। उस वक्त हरियाणा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। पहली दफा जब इस सीट पर चुनाव हुआ तब ये सीट आरक्षित थी, लेकिन जैसे ही 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ और साल 1967 में हरियाणा के पहले विधानसभा चुनाव हुए तो इस सीट को सामान्य कर दिया गया। 1962 के चुनाव में हरियाणा लोक समिति के रामधारी महम के पहले विधायक चुने गए थे। हरियाणा बनने के बाद जब 1967 में इस सीट पर चुनाव हुआ तो आज़ाद उम्मीदवार प्रोफेसर महासिंह विधायक बने। उन्होंने कांग्रेस के बी प्रसाद को हराया था, लेकिन अगले ही साल यानी 1968 में सियासी उथल पुथल के चलते हरियाणा में मध्यावधि चुनाव हुए तो यहां से आज़ाद उम्मीदवार प्रोफेसर महासिंह को हराकर राज सिंह दलाल ने कांग्रेस का खाता खोल दिया। लेकिन 1972 में राज सिंह निर्दलीय उम्मीदवार उमेद सिंह से हार गए। साल 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी की तरफ से हरस्वरूप बूरा ने आज़ाद उम्मीदवार वजीर सिंह को हरा दिया। यहां तक सब सामान्य हो रहा था, लेकिन अगला चुनाव इस सीट के लिए सामान्य चुनाव नहीं था। 1982 के विधानसभा चुनाव में महम वीआईपी सीट में बदल गई। इसकी खास वजह यह थी कि चौधरी देवीलाल ने यहां से ताल ठोक दी और कांग्रेस के हरस्वरूप बूरा को हरा दिया। ताऊ देवीलाल ने साल 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता के खिलाफ इस्तीफा दे दिया। वे उपचुनाव में एक बार फिर खुद मैदान में उतरे और इस बार कांग्रेस के चौधरी राज सिंह दलाल को हराकर विधायक बने। 1987 के चुनाव में ताऊ देवीलाल ने महम से जीत की हैट्रिक लगाई और हरियाणा सूबे के मुखिया बने। इस चुनाव में उन्होंने स्वरूप सिंह को हराया था। इससे महम के रुतबे में इजाफा होना लाजमी था, लेकिन ताऊ देवीलाल इसके बाद भी संतुष्ट नहीं थे। साल 1989 में वे विपक्षी एकता की धुरी बनकर उभरे। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने रोहतक लोकसभा सीट से ताल ठोक दी और जीत हासिल कर देश के उप प्रधानमंत्री बने। इसी वजह से उन्हें महम विधानसभा सीट और मुख्यमंत्री पद दोनों से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बना दिया। बाद में महम सीट पर हुए उपचुनाव में बेटे ओम प्रकाश चौटाला को खड़ा कर दिया, लेकिन ताऊ देवीलाल का ये फैसला उनको बहुत महंगा पड़ने वाला था। ये वही उपचुनाव था जो आज तक महम कांड के नाम से बदनाम है। महम कांड के बारे में हम किसी और किस्त में चर्चा करेंगे, लेकिन ये जरूर बता दें कि इस चुनाव ने एक दशक तक देवीलाल परिवार को सियासी तौर पर लगभग अछूत कर दिया था। इस चुनाव में आनंद सिंह डांगी इस इलाके के लिए एक बड़ा नाम बनकर उभरे।
साल 1991 में कांग्रेस उम्मीदवार आनंद सिंह डांगी ने जनता दल के सूबे सिंह को हराया तो साल 1996 में वे इनेलो के बलबीर सिंह उर्फ बाली से हार गए। इसके बाद सन 2000 में भी बाली पहलवान ने डांगी को विधानसभा का मुंह नहीं देखने दिया, लेकिन इसके बाद डांगी ने जीत की हैट्रिक लगाई। 2005 में उन्होंने इनेलो के राजवीर सिंह तथा 2009 और 2014 में शमशेर सिंह खरतरा को हराया। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बागी होकर बलराज कुंडू आजाद उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे और आनंद सिंह डांगी व शमशेर सिंह खरकड़ा जैसे दिग्गजों को हराकर विधानसभा में पहुंचे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।